हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बारंबारता सारणी से माध्यक निकालना। अब आप सोच रहे हो कि माध्यक होता क्या है। आप लोगों को इस ही चैनल पर मैंने आपको बताया समांतर माध्य तीन तरीके से बताया है। एक बताया है प्रत्यक्ष विधि से, एक बताया है आपको कल्पित विधि से, एक बताया है आपको पद विचलन विधि से। ठीक है, तीन तो ये तरीके हो गए। इसके बाद में आपको मैं बताया माध्यिका, और माध्यिका को ही हम लोग कहते हैं माध्यक। ठीक है, तो माध्यक यहाँ पे निकालना है। तो ये माध्यक शब्द से मडरिएगा मत आप, माध्यक का मतलब ही होता है आपका माध्यिका। तो आपको यहाँ पर माध्यिका निकालनी है। जैसे आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया गया है, आपको यहाँ पर बारंबारता दे दी गई है, और ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का आता है, ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है और इसको सही तरीके से सीख लेना है, समझ लेना है सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें इसका माध्यक माध्यक निकालना है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहला काम रहेगा माध्यक। माध्यक का नाम क्या है, माध्यिका, या माध्यक, या कहें इसको माध्यिका। ठीक है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ही बात है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी गई है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। अब समझ लो आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बारंबारता। ये क्या होता है आपका, एफ होता है, ये लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग संचयी बारंबारता। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, संचयी बारंबारता क्या होती है, सी एफ। ये तीन स्टेप यहाँ पे लिखने पड़ते हैं माध्यिका के लिए हमें, अगर हमें बारंबारता दी गई है तो, और अगर हमें संचयी बारंबारता दी गई है तो फिर हमें बारंबारता निकालनी पड़ेगी। उस टाइप के भी सवाल हम आप लोगों को लगवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, कितना था हमारा, देखो 10 से 25, 25 से 40, मतलब 15 का अंतर है, 86 तक है। तो लिखना है, लिखेंगे 10 से 25, 25 से आपका हो जाएगा 40, 40 से हो जाएगा आपका 15, 55, और 55 से आपका हो जाएगा 70, और 70 से हो जाएगा आपका 85। बारंबारता लिख लेते हैं, 3, 10, 20, 13, 4। तो 3, 10, 20, 13, 4। क्लियर हुई बात इतनी। अब आगे समझो आप लोग, संचय बारंबारता निकालनी है हमें, सी एफ जिसे कहते हैं, निकालना है। कैसे निकालोगे, बताया था मैंने आपको माध्यिका वाले क्वेश्चन में। अगर देखो, अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है जो भी अभी वीडियो बनाई गई थी आप लोगों के लिए, जैसे माध्यिक माध्यिका थी आपकी, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, कल्पित विधि से समांतर माध्य, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से जाइए और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उनको पहले देखिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। तो पहले लिखेंगे, देखो 3 है तो 3 लिख देंगे पहले, तो सेम सेम लिखते हैं बारंबारता संचय बारंबारता। और दूसरे में क्या करेंगे, 3 लिखा हुआ इसमें, दूसरा लिखा हुआ है 10, तो 3 में 10 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13, तो 13 लिख देंगे। इसके आगे देखो, 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 13 में 20 जोड़ो, अगला लिख दो 13, 20, कितना हो जाएगा 33, यहाँ लिख दो। फिर 33 और 13 इसको जोड़ो, 33 और 13 कितना जाएगा 46, इसको लिख दो, और 46, 4 कितना जाएगा आपका 50, इसको लिख दो। बस समझ गया कैसे लिखना है, पहले देखो 3 का 3 लिख दिया, फिर 3 में दूसरा ये जोड़ेंगे 10, जैसे समझो यहाँ पे ये 10 जोड़ रहा, कितना आ गया आपका 13 लिख दिया। फिर 13 में 20 जोड़ेंगे, कितना आ गया आपका 33 लिख दिया। फिर 33 में 13 जोड़ेंगे, कितना आ गया आपका 46 लिख दिया। 46 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना आ गया 50 लिख दिया। मतलब क्या है, समझ गए, आपको समझ में आ गई होगी बात, वही मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग समझो, यहाँ पर सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अब देखो, जो भी आपका यहाँ पर आ गया है, इसे क्या कहेंगे, हम लोग लिखेंगे एन बराबर, जो भी आपकी लास्ट संख्या आ गई है वही आपकी एन हो जाएगी। कितनी लास्ट में आई, 50, तो एन बराबर 50। ठीक है, बात क्लियर। और एन क्या होता है, इन बारंबारताओं का जोड़ होता है 50, ये सभी इनका सभी का जोड़ होगा 50। 3, 13, 23, 13, 3, 10, 13, 20, 33 और 13, 46, 4, 50, से 50 हो जाएगा।
अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर वो समझ लो आप लोग बस। सबसे फर्स्ट काम आपका 50 के आ गया, जो भी आपका लास्ट नंबर था वही आपका आ गया एन 50। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि एन बटे दो, बराबर निकालो पहले कितना आ जाएगा 50 बटे दो, ये आपका आ जाएगा 25। एन बटे दो बराबर 25 है, जो कि संचयी बारंबारता, जो कि संचयी बारंबारता कितने किसके अंतर्गत आता है। अब देखो 25 आ गया है, अब इसमें देखना किसके किसके बीच में आता है, 13 और 33 के बीच में आता है कितना 25। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपको पहले वाली कंडीशन उठाना है। पहली वाली कंडीशन क्या थी, इससे पहले जो बताया था मैंने कि 13 33 के बीच में आता है आपका 25, तो इसका मतलब सेकेंड वाली कंडीशन को उठाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो इस वाली कंडीशन को पूरा हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में बंद कर लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। समझ गए आप लोग इतनी बात, तो अब लिख दो यहाँ पर, चलो क्लियर करो उस बात को पहले। जो कि संचय बारंबारता 33 के अंतर्गत आता है, 33 के अंतर्गत आता है, अतः माध्यिका वर्ग देखो कितना होगा, 40 से 55, 40 से 55 होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके माध्यिका का जो भी आंसर आएगा वो 40 और 50 के, 40 और 55 के बीच का होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अब क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं उन चीज़ों को लिख देंगे। देखो जैसे ये कंडीशन पहला लिखा है 40 55, तो ये क्या होता है, ये L1 L2 होता है। तो L1 दिया गया हमें है 40, फिर L2 हमें दिया गया है 55, दो चीज़ हो गई। इसके बाद में आ जाओ इधर, ये होता है F, F दिया गया है हमें 20, और इसके सीधे ये क्वेश्चन होता है उसके ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे कहते हैं CF, ये हमें दिया गया है, CF हमें दिया गया है 13। सारी चीज़ें पता हैं, हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे अगले पेज पर और लिखेंगे फॉर्मूला। लिखेंगे माध्यक बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F, इतना लिख लीजिएगा, NY2 माइनस CF, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए L1 L2 की अगर बात करें तो L1 का मान कितना था 40 और 55, L2 का मान 55, तो ये 40 था, तो लिखेंगे 40 प्लस ये था 55, तो 55 माइनस फिर L1 है, तो इसको लिख देंगे 40 बेटे में। देखो F कितना है, F है हमारा 20, तो लिख देंगे 20। NY2 कितना है और CF, ये दोनों एक साथ देख लेंगे ठीक है। वो NY2 का मान है आपका, NY2 देखो यहाँ पे दिया गया ये 25, और CF का मान आपका है 13 ठीक है, 25 13, तो ये आपका है 25, ये है आपका 13, माइनस कर देंगे बस, सॉल्व करो इसको। 40 प्लस ये 15 बटे 20 गुणा 13 और 25 घटाओ इसको, 12 आ जाएगा, 12 आ गया यहाँ पर। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लो, 5 3 15, 5 चक्कू 20, 4 3 12, इतना आ जाएगा बराबर। 40 प्लस 3 का 3 में गुणा करो, 3 3 9, 40 9 कितना गया 49, 49 आपका माध्यक आ गया। माध्यक बोले हो चाहे आप उसको माध्यिका बोलो, कितना गया आपका, ये आपके आ गया 49। तो यहाँ पर क्या है, आपकी माध्यिका यहाँ से फाइंड हो गई है। हम लोग अगर पीछे क्वेश्चन में बात करें तो हमारा देखो यहाँ पे क्या आया था, माध्यिका वर्ग आया था कितना 40 से 55। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी आपका आंसर आएगा वो इसके इसके बीच में आएगा, आंसर कितना आया 49 आया है, जो 40 और 55 के बीच का है, तो यही होता है माध्यिका वर्ग। अगर आपका आंसर इसके अलावा आता हो, मतलब माध्यिका वर्ग के अंतर्गत ना आता हो, इसके अलावा आपका कोई आंसर आता, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपका आंसर गलत है या आपने सवाल जो है सही तरीके से नहीं सॉल्व कर पाया है ठीक है। जो भी आंसर आएगा उनके बीच का ही आएगा, तभी हमारा सवाल बिल्कुल ही सही तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। आपको मेरी सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ठीक है, ताकि आने वाली
वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, और आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोज़ मिलेंगी और आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, ताकि आप लोग सवालों को अच्छी तरीके से सीख सकें और अपने तैयारी को और बेहतर बना सकें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।